मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के इलाके में सराफा व्यापारी की दुकान में देर रात चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर 5 लाख के सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। दोनों चोरों ने अपनी होशियारी दिखाते हुए सीसीटीवी कैमरा भी तोड़कर साथ ले गए, लेकिन पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे के DVR में कैद हो गई। व्यापारी ने थाना ब्रह्मपुरी पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। आपको बता दें कि थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के सरस्वती लोक के सामने दिव्य ज्वेलर्स के नाम से विजय त्रिपाठी की ज्वेलर्स की शॉप है। देर शाम 12 बजे विजय त्रिपाठी दुकान का ताला लगाकर अपने घर चले गए थे। जैसे ही सुबह पड़ोसी दुकानदार पिंटू ने देखा कि पड़ोस के ज्वेलर्स की दुकान का ताला टूटा हुआ है, वही विजय त्रिपाठी को इसकी सूचना दी और वह दौड़ते हुए अपनी दुकान पर पहुंचे तो देखा कि दुकान का ताला चोरों ने तोड़ दिया और तिजोरी में रखा 5 लाख की कीमत के सोने और चांदी के जेवर पर भी हाथ साफ कर लिया। व्यापारी ने बताया कि उसकी दुकान में लगभग 5 लाख की कीमत के जेवर थे, जो कि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें दो चोर साफ तौर पर चोरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थाना ब्रह्मपुरी में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस को मैंने सुबह आते ही सूचना दी, दरोगा जी आए भी थे, उन्होंने देखा मौके पे हमारे बराबर में कैमरा लगा हुआ था, पड़ोसी का भी ताला तोड़े है वो और कैमरा भी तोड़ के ले गए हैं। तो बाद में पता चला रिकॉर्डिंग के थ्रू कैसे कैसे कौन आए थे, बाकायदा उनका फोटो आया हुआ है, सब कुछ आया हुआ है। उस समय दरवाजे को व्हाट्सअप कर दिया और आपको भी पता है।